गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट टीवीएस, चैप्टर नंबर 6, लीव्स। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस चैप्टर के जो है वर्ड मीनिंग कर चुके थे। लेट अस स्टार्ट द बुक रीडिंग। क्लियर? पेज नंबर 40 है। रियाज क्लास टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू कलेक्ट सम लीव्स सो दैट दे कुड मेक सम डिफरेंट फिगर्स विद देम एज ए पार्ट ऑफ असाइनमेंट। रिया की जो क्लास टीचर है वो क्लास में बच्चों से पूछती है कि क्या आप जो है कुछ पत्तियां जो है कलेक्ट कर सकते हो असाइनमेंट फाइल बनाने के लिए या फिर असाइनमेंट के लिए, जिससे कि टीचर उनको समझा सके कि पत्तियां कैसे किस तरीके से उनको शेप्स होती है, साइजेस होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, रिया वॉज केयरफुल टू पिक ओनली दोज लीव दैट हैड फॉलन ऑन द ग्राउंड। और रिया जो है इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरफुल थी, जो पत्तियां पेड़ से टूट के नीचे गिरी हुई हैं वो उनको ही उठाएगी, जो नीचे ग्राउंड में गिरी हुई है ना उन्हीं पत्तियों को उठा के लेके आएगी। शी वॉज अम्यूज्ड टू सी सो मैनी लीव्स। वो इन सारी चीज़ों को देख के क्या थी, बहुत ही खुश थी। उसने बहुत सारी पत्तियां जो हैं ग्राउंड में पड़ी हुई देखी थी। नेक्स्ट है आपका, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ लीव्स ऑन द ऑल अराउंड अस। हमारे आसपास बहुत ही संख्या में क्या पड़ी हुई होती हैं, पत्तियां पड़ी हुई होती हैं। दे अराइज फ्रॉम द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ द प्लांट। और वो किससे, ब्रांचेस से, स्टेम से सबसे अलग होके नीचे ग्राउंड में पड़ी हुई होती हैं। दे हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग द प्लांट। और वो हमें हेल्प करती हैं, किस में हेल्प करती हैं कि ये कौन से प्लांट्स की पत्तियां हैं। नीम की पत्तियों को देख के आप बता सकते हो ना कि ये नीम की पत्तियां हैं, और मैंगो वाली देख के बस आप बता सकते हो कि ये मैंगो की हैं, है ना। गवावा की भी बता सकते हो, पीपल की भी बता सकते हो, है ना। तो वो हमें आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में हमें क्या करती हैं, सहायता करती हैं। लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट्स। लीव्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं, किचन ऑफ द प्लांट्स कहलाती हैं। एज दे आर द साइट ऑफ द फूड प्रोडक्शन। और हम इनको किस में यूज़ में लेते हैं, फूड प्रोडक्शन में भी यूज़ में लेते हैं, मीन्स खाने के लिए भी यूज़ में लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल दैट ट्रेप द सनलाइट। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल्स होती है, और वो क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। किसको ट्रैप करते हैं, अवशोषित करते हैं, किसको करते हैं, सनलाइट को। क्लियर? नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। ये हमें सहायता करती है भोजन बनाने में। काल फोटोसिंथेसिस ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। भोजन बनाने में जो धूप होती है, सनलाइट जो होती है, वो हमें हेल्प करती है, किसमें, भोजन बनाने के लिए। और ये क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। या फिर जो पत्तियां होती हैं वो धूप को क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, वो उनके लिए क्या होता है, उनका भोजन होता है, तो वो क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अलोंग विद वाटर, और पानी होता है, मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें उसमें उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ लीफ, लीफ के भाग। द लीव्स में डिफरेंट इन साइज और शेप। जो लीव्स होती हैं साइजेस और शेप क्या होते हैं, जनरली अलग अलग होते हैं। दे हैव द सेम स्ट्रक्चर, पूर्णतः सेम होता है, लेकिन कुछ जो लीव्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं ना। जैसे बनाना की जो लीव्स होती हैं वो बड़ी ज़्यादा होती हैं, है ना, इस टाइप से। नेक्स्ट है आपका, द मेन पार्ट ऑफ लीफ आर, जो उसका मेन जो पार्ट होता है, लीव्स के मेन पार्ट्स जो होते हैं वो ऐसे हैं। इसको देखिए, लीफ की पिक्चर दिखाई हुई है आपको, है ना, ये देखो बच्चों, ये आपकी लीफ है, और ये क्या है, स्टॉक मीन्स डंठल, और ये है लीफ ब्लेड, मीन्स इसका जो कॉर्नर है ये है लीफ ब्लेड, और ये मिड रिब है,
सेंटर का है ना, क्या है ये मिडरिब और ये साइड रिब्स, क्लियर। मेन पार्ट्स के बारे में जानिए, यहाँ पे लीफ प्लेट, इट इज द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ, ये फ्लैट होता है और क्या होता है ब्रॉड पार्ट होता है, लंबा पार्ट होता है, ऐसे फ्लैट होता है बिल्कुल पतला होता है, और ऐसे ये रहा सामने लीफ ब्लेड, ये सामने वाला जो पार्ट है ये क्या है लीफ ब्लेड है, क्लियर। ब्रॉड पार्ट होता है, ये पत्ती का कौन सा पार्ट होता है ब्रॉड, यानी कि चौड़ा चौड़ा भाग होता है। नेक्स्ट है आपका मिडरिब, ये आपका मिडरिब है, क्लियर। इसमें क्या है, इट इज़ द थिक ट्यूब रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ, फिर से देखिए, इट इज़ द थिक ट्यूब रनिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ, इसमें क्या है एक छोटी सी पतली सी जो ट्यूब है वो पत्ती के बीच में से निकल के आती है, क्लियर। ये रही, उसके बाद आपका आता है साइड वीन्स, साइड वीन्स में मीन्स ये जो मिडरिब है इसके यहाँ से साइड वीन्स निकलती हैं, क्लियर। दे आर द थिन ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब, कहाँ से निकलती हैं मिडरिब के साइड से अराइज होती है। नेक्स्ट आपका आता है स्टॉक, स्टॉक क्या है डंठल था ना, इट इज़ द पार्ट ऑफ द लीफ दैट कनेक्ट्स द लीफ टू द स्टेम, ये कौन सा भाग होता है स्टेम को कनेक्ट करता है, लीफ को स्टेम को क्या करता है कनेक्ट करता है। देयर आर टीनी पोर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, और जो लीफ होती है उसके अंडर साइड में नहीं अंदर की तरफ में क्या होते हैं पोर्स होते हैं छोटे छोटे, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा, और ये क्या कहलाता है स्टोमेटा कहलाता है। थ्रू द पोर्स प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट ऑक्सीजन, और इसके थ्रू क्या करते हैं प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है वेराइटीज ऑफ लीव्स, लीव्स की वेराइटीज, वी कैन सी ए वेराइटी ऑफ शेप साइजेस कलर एंड टेक्स्चर्स ऑफ लीव्स, हम लोग जो हैं बहुत सारे विभिन्न प्रकार की शेप साइजेस कलर्स और बनावट जो हैं ये सारी हम पत्तियों में देखते हैं शेप्स। देयर आर लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक लॉन्गिट्यूडिनल राउंड नीडल शेप और ट्रायंगल, हम लोग जो है विभिन्न प्रकार की जो है पत्तियों की शेप्स देखते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल राउंड शेप इस टाइप से जो होती हैं, ठीक है ये है लॉन्गिट्यूडिनल शेप, नेक्स्ट राउंड नीडल शेप और ट्रायंगुलर शेप, क्लियर। ये सारी पत्तियां जो हैं इनकी शेप्स हैं। नेक्स्ट आपकी आती है साइजेस, साइजेस देखिए कैन बिग और स्मॉल और ब्रॉड और लॉन्ग, ठीक है ये सारी हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपकी टेक्सचर्स मीन्स बनावट, बनावट कैसी है उसकी, सम लीव्स आर रफ स्मूथ टेक्सचर वाइल आर अदर हैव स्पॉन्गी भी होती हैं और प्रिकली भी होती हैं कांटेदार भी होती हैं, ठीक है इनकी बनावट होती है टेक्सचर्स होते हैं। टेक्सचर इज फील ऑन ए सरफेस, और सरफेस से हम लोग मतलब सतह से हाथ लगा के हम लोग इनको टच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यूजफुल लीव्स, ओके बच्चों यूजफुल लीव्स हम कल स्टार्ट करेंगे, और जितना मैंने पढ़ाया है उसको सबको हिंदी करने की कोशिश करना है ना, पेज नंबर 42 हम कल स्टार्ट करेंगे ये यूजफुल लीव्स, ओके थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।